हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन ट्रोडिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन सो इन पार्ट वन वीडियो लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉस्मेटिक प्रिपेस क्लासिफिकेशन एंड इन्ग्रेडियंट्स ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन सो द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट टू वीडियो लेक्चर ऑफ दिस कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन

सो so, आपको ये कॉस्मेटिक की डेफिनेशन खास याद रखनी है कि कॉस्मेटिक जो टर्म है वो डिराइव किया गया फ्रॉम द वर्ड कॉस्मेटिकोस उसका मतलब होता है स्किल टू डेकोरेट कि ये जो मेकअप किट होती है उससे जो स्किल डेवलप करता है ओके okay? कि जो कोई मेकअप आर्टिस्ट है कि जो क्या करता है किसी भी पर्सन को डेकोरेट करता है बाय यूजिंग दिस कि जिसको हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन और ये एक स्किल है दूसरे वर्ड में हम उसको आर्ट भी कह सकते इट इज अ आर्ट टू डेकोरेट द ह्यूमन बॉडी सो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डेकोरेट करने का एक टाइप से ये है आर्ट सो थर्स द कॉस्मेटिक इज द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग योर सेव टू लुक ब्यूटिफुल सो so, आज के दौर में हम सुंदर दिखने के लिए ब्यूटीफुल दिखने के लिए अलग अलग कॉस्मेटिक प्रिपरेशन हर रोज़ यूज़ करते हैं टू डेकोरेट आवर सेल्फ सो दिस इज अकॉर्डिंग द कॉस्मेटिक्स डी एंड सी की जो डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसे प्रिपरेशन या आर्टिकल या प्रोडक्ट कि जिसको आप आपके बॉडी पे रब करते हो बॉडी कैविटीज के अंदर आप पोर करते हो उसको आपके बॉडी सरफेस ऊपर स्प्रिंकल करते हो या उसको स्प्रे करते हो और उसका पर्पज होता है क्लीनिंग का या फिर क्लिनजिंग का पर्पज ब्यूटिफाइंग का पर्पज या प्रमोटिंग एट्रेक्टिवनेस के अट्रैक्टिव देखने के लिए और जो हमारा बॉडी का अपियरेंस है उसको चेंज करने के लिए हम जो भी प्रिपरेशंस यूज करते हैं वो कही जाती है कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस फिर हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द वेरियस इंग्रेडिएंट्स के वाटर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा

कॉस्मेटिक्स फॉर द हाइजीन कि जो हाइजीनिसिटी मेंटेन करने के लिए हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो है हाइजीन्स। सो so, अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द रिजर्वेटिव परफ्यूम्स हर्बल ऑल प्लांट मटेरियल के जो यूज होते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर फंक्शनल रो मटेरियल कलर्स एंड पिगमेंट्स के बारे में सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिजर्वेटिव सो डेफिनेशन भी पूछी जाती है and also the various classes of a preservative so what is preservative so preservative is a substance or chemical that it added to the product such as food products beverages pharmaceutical drugs paint biological samples cosmetics wood and many other products to prevent decomposition by microbial growth or by undesirable chemical changes सो so, प्रिजर्व करना प्रिजर्वेटिव में एक वर्ड छुपा है वो है टू प्रिजर्व ओके पी आर ई एस सी आर वी ई प्रिजर्व करना मतलब लॉन्ग टाइम तक उसको अच्छे से स्टेबल रखना और टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ सो हम प्रिजर्वेटिव को एड करते हैं कॉस्मेटिक्स का हम देखें यहां पे आज lecture के लेक्चर के रिगार्डिंग तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और उसको लॉन्ग टाइम से हम प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम वेरियस केमिकल चेंजेस कि ऐसा नहीं है कि आप कोई कॉस्मेटिक क्रीम लाए हो एक ही दिन में या पांच दिन में कंप्लीट करोगे एटलीस्ट यू विल यूज इट फॉर द वन मंथ और टू मंथ और ज्यादा से ज्यादा छह महीने तक भी आप कई बार उसको यूज करते हैं सो so, ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है उस वक्त ये प्रोडक्ट जो है वो रहनी चाहिए प्रॉपर स्टेबल सो so, उसके लिए हम ऐड करते हैं ये एडिटिव्स कि जिसको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव एक टाइप के केमिकल ही होते हैं कि जो ऐड करने से हमारी जो भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हम प्रिवेंट करवाते हैं एंड ऑल्सो द अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस सो कॉस्मेटिक का भी uh, के अंदर जो प्रिजर्वेटिव का जो रोल है वो है कि टू प्रिवेंट द स्पॉयलेज विच अकर्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ अब हम जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कि वाटर, तो वाटर के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं एंड सेकंड है कि जो ऑयल होते हैं ऑयल का हो सकता है ऑक्सीडेशन ओके सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव इन ए कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन सो अनयूज कॉस्मेटिक्स आर यूजली कॉन्टेमिनेटेड विथ स्यूडोमोनास्पीसिस कि जो आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि जो सीडियोमोनास बैक्टीरिया होते हैं उसके रिलेटेड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सीडियोमोनास क्लास के तो उसका कॉन्टेमिनेशन जो है वो अनयूज कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में होता है अनयूज मतलब कि अभी तक आपने उसको यूज नहीं किया है कंप्लीटली वो पैक्ड है उसको जो भी उसका कंटेनर है पैकिंग है उसके अंदर वो कंप्लीटली सेफली है बट उसके अंदर लॉन्ग टाइप तक तो रहने से के बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस है सो so ये ग्रोथ हम अटकाने के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐड कर देते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ओके okay? कि मेनली हम प्रिजर्वेटिव इसके अंदर ऐड कर देंगे कि जिससे अनयूज कॉस्मेटिक में भी सीडोमोनास जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ना हो उसके अलावा जो यूज किया हुआ है कि यूज कॉस्मेटिक्स जिसके अंदर कॉन्टेमिनेशन हो सकता है बट स्टेफाइलो फंगाई एंड ये कई बार आप देखते हो कि अच्छे से आप समझो कि यूज करने के बाद जो भी कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन का कंटेनर आप अच्छे से बंद नहीं कर दे तो उसके अंदर लॉन्ग टाइम के बाद आप देखोगे कि फंगाई का डेवलपमेंट होना ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ येस्ट ओके सो यह सब प्रोसेस प्रिवेंट करने के लिए एड किए जाते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स या फिर प्रिजर्वेटिव या फिर एंटी ऑक्सीडेंट्स की जिससे क्या हो सकता है ये माइक्रोबियल ग्रोथ भी हम प्रिवेंट करवा सकते हैं एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ऑयल सो विच आर द मेन टाइप्स ऑफ द प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव कितने टाइप्स के होते हैं सो so, वाइवा में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑल्सो इन द के दियरी ऑट नॉट ऑन प्रिजर्वेटिव फॉर द कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन तो सबसे पहले आपको टाइप डिस्क्राइब कर देने हैं एनलिस्ट करने हैं कि द टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव फर्स्ट दैट आर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से एंटी माइक्रोबियल एजेंट आप डालते हो एंटी ऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेंट साइनरजिस्ट एंड यूवी एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर्स सो माइक्रोबियल एजेंट जिसका रोल होता है टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ जिसके अंदर इंक्लूडेड है बेंजोइक एसिड फॉर्मालीहाइड क्रेसोल एग्जांपल्स है वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ ओके कि जो भी मेनली एसिड एंड आल्डीहाइड्स ओके एसिड आल्डीहाइड फिनॉल क्रेसोल की जो मेनली हम डिसइंफेक्टेंट क्लास में भी लेते हैं ये सब इंग्रेडिएंट्स को कि स्टरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स के लिए भी ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं तो उसका मेन रोल होता है टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको कंप्लीटली प्रिवेंट करवाता है नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कीप देम स्टेबल लॉन्ग टाइम कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके अंदर मेनली ऑक्सीडेशन होने का चांसेस होता है और ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है वो प्रोडक्ट्स जो है वो धीरे धीरे डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है सो टू प्रिवेंट दैट प्रोसेस वी ऐड दिस एंटी इन दैट प्रिपेरेशन टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी फॉर द लॉन्ग टाइम की आपकी जो प्रिपेरेशन है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है स्टेबल तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एंटी जो है वो एड किए जाते हैं इन दिस कॉस्मेटिक प्रिपरेशन तो सभी के एग्जांपल आपको खास याद रखने हैं फर्स्ट गैलिक एसिड मिथाइल गैलेट बीएचए मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल बीएचटी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन टोकोफेरोल मतलब कि विटामिन ई e, साइट्रिक एसिड इथेनोलामाइन लेसिथिन एस्कॉर्बिक एसिड मींस विटामिन सी सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम मेटा बाय सल्फाइड सो इतने जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब आपको याद रखने हैं मोस्ट आईएमपी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए कि एग्जांपल्स ऑफ एंटी वाइवा में भी आपको ये पूछे जा सकते हैं ऑल्सो फॉर द थियरी एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सो कोई भी तरह से आपको ये एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल जो है वो खास याद रखने हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट इज एंटी ऑक्सीडेंट साइनरजिस्ट मतलब कि जो एंटी है उसकी एफिकेसी को एनहांस करने के लिए हम ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जिसके एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड 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 साइट्रिक साइट्रिक एंड पे आप देख सकते हो कि जिसको हम हिंदी में नींबू के फूल भी कहते हैं और ये जो साइट्रिक एसिड है वो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में भी ऐड किया जाता है एज वेल एज इन ए कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन कि जिसका रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिस्ट एंड आल्सो विटामिन सी कि जिसको एस्कॉर्बिक एसिड हम कहते हैं वो भी ऐड किया जाता है एज अ एनहांस द एफिकेसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एज ए एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिस्ट उसके बाद एक की इंग्रेडिएंट होता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस का वो है यूवी अब्जॉर्बर्स की वो क्या करते हैं कि जो सनलाइट के अंदर यूवी रेस प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब्स कर देता है एंड जो हमारी जो स्किन के अंदर के लेयर तक वो फिर नहीं पहुंचता वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या फिर उसी के अंदर जो है वो समा जाते हैं सो यूवी एब्जॉर्बर्स के अंदर कॉमनली uh, जो यूज होते हैं वो एग्जाम्पल आपको खास याद रखने के टू हाइड्रोक्स से बेन्जोफिन टू हाइड्रोक्स फिनाइल बेन्जोट्राइजॉल्स टू हाइड्रोक्स फिनाइल स्ट्राइजेंस फिर केमिकल्स के अंदर जो यूज होते हैं वो है बेंजोइक एसिड के एस्टर एंड सो दिस द वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन फॉर यू कि जो यूवी ऑब्जर्बर्स की जो हमारे स्किन के लेयर है उसको प्रोटेक्ट कराएगा और यूवी ऑब्जर्बर्स मेनली हम ऐड करते हैं अलग अलग क्रीम्स के अंदर कि जो फेस पर हम लगाते हैं स्पेशली सनस्क्रीन लोशन सनस्क्रीम्स के अंदर और कोल्ड क्रीम वगैरह के अंदर भी हम ये ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेस की यूवी रेस के कारण जो स्किन डैमेज होती है तो वो डैमेज ना हो उसके लिए हम सनस्क्रीन लोशंस वगैरह के अंदर ये यूवी अब्जॉर्बर्स इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं और उसके एग्जाम्पल आपको खास याद रखने हैं टोटल फाइव एग्जाम्पल की टू हाइड्रोक्सी वाले की जो बेंजाइल फिनोल फिनाइल बेंजोट्राइज एंड फिनाइल स्ट्राइजिंस और बेंजोइक एसिड के एस्टर और एमाइन की जो एग्जाम्पल है यूबी ऑब्जॉर्बर्स के आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर अब पढ़ेंगे हम परफ्यूम्स कि जो ऐड किए जाते हैं इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब परफ्यूम कि जो परफ्यूम का जो मेन रोल है कि मेन प्रोवाइड करता है फ्रेगनेंस ओके कि जो फ्रेगनेंस के लिए हम जो इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन के अंदर जो प्रोवाइड करता है फ्रेगनेंस या फिर कोई अच्छी स्मेल के लिए हम ऐड करते हैं तो uh, उसका मतलब होता है कि परफ्यूम परफ्यूम का मतलब कि पर इट मीन्स थ्रू एंड एनफ्यूम मीन्स स्मोक सो परफ्यूम का मतलब हो गया थ्रू स्मोक ओके थ्रू द स्मोक तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए कि वट डू मीन बाई द वर्ड परफ्यूम पर मीन्स थ्रू एंड फ्यूमन मीन्स द स्मोक सो परफ्यूम इट मीन्स थ्रू द स्मोक तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो पहले जो थे वो स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता था कि कोई ऐसे स्मेल वाले वुड्स है या फिर ग्रास है उसको क्या किया जाता था जलाया जाता था लाइक ग्रास के अंदर लेमन ग्रास है ओके okay, तो उसको जला के जो स्मेल प्रोड्यूस होती थी वो एक प्रकार के परफ्यूम कही जाती थी देन वुड के अंदर हम बात कर सकते हैं कि सैंडलवुड ओके okay? तो सैंडलवुड को भी जब आप जलाते हो तो उसका जो भी स्मोक प्रोड्यूस होगा उसकी स्मेल जो है वो काफी अच्छी और प्लीजेंट रहेगी तो उसके लिए परफ्यूम्स जो है वो यूज होने लगे धीरे धीरे फिर उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज आने लगी लाइक एनिमल सोर्स के परफ्यूम लाइक मस्क साइवेट एम्बरग्रिस कैस्ट्रोरियम uh, और नेचुरल सोर्सेस में से फिर uh, अलग अलग यूजेनॉल फर्नेसल रोज ऑक्साइड सिट्रल धीरे धीरे अलग अलग जो परफ्यूम्स जो है वो डेवलप होने लगे सो so, स्टार्ट करते हैं जो क्लासिफिकेशन है परफ्यूम्स का तो जो नेचुरल परफ्यूम्स है वो है फ्रॉम द एनिमल सोर्स लाइक मस्क साइवेट एम्बरजिस ग्रीस एंड स्टोरियम सो so, ये जो है इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसी क्यू की आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ने फ्रॉम द एनिमल सोर्स सो एनिमल सोर्स में से जो नेचुरल परफ्यूम ऑप्टेन होते हैं वो है एक है मस्क ओके यहाँ पे आप देख सकते हो मस्क फ्लेवर देन साइवेट एम्बरग्रीस एंड कैस्ट्रोरियम तो ये जो है यूज uh, होते है स्पेशली नेचुरल परफ्यूम एज अ एनिमल सोर्स उसके बाद है नेक्स्ट नेचुरल परफ्यूम्स फ्रॉम ए प्लांट सोर्सेस कि जो अलग अलग जो फ्रेगनेंस देने वाले जो प्लांट्स है लाइक रोज है ओके देन जैस्मिन लेमन एंड लवेंडर कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रोज में से रोज एक्सट्रैक्ट में से रोज फ्लेवर परफ्यूम जो है वो बनाया जाता है एज अ टू प्रोवाइड द फ्रेगनेंस लवेंडर की जो लवेंडर के जो प्लांट होते हैं उसमें से एंड लेमन एंड ऑल्सो फ्रॉम द जैसम प्लांट जिसमें से नेचुरल परफ्यूम्स किए जाते हैं आफ्टर दैट अरोमा केमिकल परफ्यूम्स इन दैट यूजेनॉल की जो अरोमा ओके की जो अरोमा है कि यूजेनॉल की जो हमें मिलता है फ्रॉम द क्लाव ओके तो क्लाव के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरल एक अरोमा रहती है और वो जो है ड्यू टू द केमिकल यूजेनॉल तो यूजेनॉल जो है वो क्लाव में से एक्सट्रैक्ट करके जो, जो यूजेनॉल ऑयल जो मिलता है वो भी एक यूज होता है एज केमिकल परफ्यूम वो भी एक नेचुरल सोर्स है आफ्टर दैट फर्नेसल फर्निसल रोज ऑक्साइड सिट्रॉल एंड लिमोलिन लिमोनिन की जो सिट्रल uh, है लिमोनिन वगैरह जो है वो लेमन में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑल्सो फ्रॉम द ऑरेंज सो ये एक यूज होते हैं एज अरोमा केमिकल कि जो नेचुरली हम देखें तो ऑरेंज है लेमन uh, से उसमें से नेचुरली एक हमें एरोमा मिलती है और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है टू प्रोवाइड द एरोमा केमिकल परफ्यूम्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस आफ्टर दैट जो फ्लोरल बेस परफ्यूम्स यूज होते हैं लाइक रोज बेस जो रोज फ्लोरा हम कहते हैं एंड ऑल्सो द जैस्मिन बेस तो ये भी एक हो गए परफ्यूम्स के टाइप परफ्यूम के बाद जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक उसके साथ ये वोडी बेस परफ्यूम की जिसको हम कह सकते हैं इन कॉलोजेंस साइट्रस बेस यूज होते हैं स्पाइस बेस ओरिएंटल बेस एंड फ्रूटी बेस की ये आप देख सकते हो दिस इज द फ्रूटी बेस के अलग अलग जो मिक्स फ्रूट में से Uh, उसकी फ्रेगनेंस को एक्सट्रैक्ट करके परफ्यूम बनाए जाते हैं देन दिस इज द स्पाइस कि स्पाइस जो हम ये सिनामोन वगैरह यूज होते करते हैं तो उसमें से एंड आल्सो फ्रॉम द लेमन एक्सेट्रा लेमन ऑरेंज वगैरह में से भी हम अलग अलग जो फ्रेगनेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं सो दिस इज अबाउट द परफ्यूम्स परफ्यूम के बाद एक इंपॉर्टेंट रोल uh, है वो है कलर्स का कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन की एट्रेक्टिवनेस कब इंक्रीज होगी जब उसके अंदर होगा कोई अट्रैक्टिव कलर्स फॉर एग्जाम्पल आप नेल पॉलिश की जो अलग अलग प्रिपेरेशन बना रहे हो तो उसके अंदर मेन एक की फैक्टर है वो है उसका कलर ओके अट्रैक्शंस के लिए नेल पॉलिश के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कलर टू डेकोरेट द नेल की जो अलग अलग कलर की समझो कि पिंक कलर है फिर पर्पल कलर है रेड कलर है येलो कलर है या फिर ग्रीन ऑल्सो द ब्लैक कलर रेड कलर जो नंबर ऑफ कलर्स के जो नेल पॉलिश अवेलेबल होती है सेम फॉर द लिपस्टिक प्रिपरेशंस, तो उसकी जो एट्रैक्टिवनेस इंप्रूव करने के लिए फिर लोशन एंड लिनीमेंट के अंदर भी uh, कई बार अलग अलग कलर्स एड किए होते हैं तो दे देर इज अवेलेबल रेंज ऑफ बहुत नेचुरल एंड सिंथेटिक कलर्स बहुत सारे सिंथेटिक और नेचुरल कलर्स हमारे पास अवेलेबल है कि जो हम यूज करते हैं दिस टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस तो मेन पर्पज ये होना चाहिए कि कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए कलर्स की विद द प्रोडक्ट और दे मस्ट बी सेफ कि जो भी पर्सन कॉस्मेटिक यूज करता है तो वो कलर के कारण उसके ऊपर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होनी चाहिए ओके, नो टॉक्सिसिटी टू पर्सन कि जो भी पर्सन यूज करे वो सेफली यूज करे विदाउट एनी टॉक्सिसिटी बाय एडिंग दिस फार्मास्यूटिकल कलर्स सो सिंथेटिक डाइस टेंड्स टू गिव राइट कलर्स एंड जनरली मोर स्टेबल देन नेचुरल मटेरियल्स सो सिंथेटिक डाइज वगैरह भी यूज होते हैं नेचुरल कलर्स भी यूज होते हैं तो दिखते हैं डिटेल में तो ये बन जाता है क्लासिफिकेशन कलर्स का नेचुरल और सिंथेटिक नेचुरल के अंदर प्लांट सोर्स से मिलते हैं कलर्स आपको एनिमल सोर्सेज एंड आल्सो फ्रॉम द मिनरल सोर्सेस सो डिटेल में जानते हैं कि जो नेचुरल प्लांट कलर से वो है क्लोरोफिल के जो ग्रीन कलर के लिए फिर अन्नाटो सीड्स येलो टू ऑरेंज कलर कैरेट्स फॉर द येलो मेडर प्लांट फॉर रेड इज येलो कलर इंडिगो फॉर ए ब्लू कलर सेफ्रॉन इज फॉर येलो एंड कैरेमल की जिसको हम बर्न सुगर कहते हैं फॉर येलोविश ब्राउन कलर तो ये हो गए नेचुरल प्लांट कलर्स अब देखते हैं कोल्चिनिल की जो एनिमल सोर्स है कि अल्कलाइन एक्वियन फ्रॉम द कोल्चिनिल इंसेक्ट्स आफ्टर दैट वेरी डार्क पर्पलिस रेड लिक्विड तो ये कोल्ची के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्पल रेड लिक्विड है किसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो फ्रॉम द कोल्चिनील एक्स इंसेक्ट एक टाइप के इंसेक्ट है जिसको हम कहते हैं कोल्चिनील और वो प्रोवाइड करते हैं पर्पल इज रेड लिक्विड अल्कलाइन एक्वियस सॉल्यूशन है आफ्टर दैट कार्मीन कि जिसको हम एल्यूमिनियम लेक फ्रॉम कोल्ची एंड इट हैव ए रेड कलर So, कारमिन और कोलची ये दोनों आपको याद रहने कोल्ची नील जो है वो बर्पलिस रेड और कारमिन जो है वो रेड कलर है नेक्स्ट इज जो मिनरल्स में से जो हमें मिलते हैं पिगमेंट्स रेड फेब्रिक ऑक्साइड येलो फेब्रिक ऑक्साइड टिटेनियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक की जो येलो फेरिक ऑक्साइड इस तरह से होता है देख सकते फिर ऐसा ही रेड कलर का फेरिक ऑक्साइड आता है टिटेनियम डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो द कार्बन ब्लैक फ्रॉम द मिनरल सोर्सेस। नेक्स्ट इज सिंथेटिक कलर्स ऑप्टेन फ्रॉम कॉल्टार कॉल्टार में से जो अलग अलग कलर्स ऑप्टेन किया जाता है कि जिसके अंदर तीन ग्रुप है उसके ग्रुप वन के अंदर यूज इन फूड्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक ग्रुप टू है जो यूज होता है इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड ग्रुप थ्री द एक्सेप्ट डी एन सी की ड्रग एंड कॉस्मेटिक के सिवाय यूज करिए कर सो मेनली हम आ, ग्रुप वन और ग्रुप टू यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर एज अ सिंथेटिक कलर और वो ऑप्टेंड किया जाते हैं फ्रॉम कॉल्टार कलर्स सो परमिटेड कलर्स जो है वो है ब्लू कि जिसको ब्रिलियंट ब्लू इंडिको कार्मीन कहा जाता है देन ग्रीन के लिए है फास्ट ग्रीन एंड जीनी ग्रीन वायोलेट के लिए वुड वायोलेट रेड के लिए हम यूज करते हैं अमारांत इरिथ्रोसिन एंड स्कारलेट रेड येलो के लिए हम टार्ट्राजिन एंड सनसेट येलो वगैरह डाइज यूज करते तो ये परमिटेड कलर्स के एग्जाम्पल आपको खास याद रखने हैं कि ब्लू कलर के लिए कौन सा है विच इज फॉर द ग्रीन विच इज फॉर पर द पर्पल रेड एंड येलो uh, स्पेशली सिटिक्स के लैब में आप ये अमारांत कलर खास यूज करते हो जब भी आप कोई प्रिपेरेश बनाते हो तो उसको आ, कलर करने के लिए अमारोसिन भी यूज करते हैं आयन ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड कार्बन ब्लैक टिटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड कि उसकी जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो तो कलर की इंटेंसिटी भी आपको ज्यादा मिलती है कि यरो आयन ऑक्साइड है फिर ब्राउन आयन ऑक्साइड एंड रेड आयन ऑक्साइड तो एक ही आयन ऑक्साइड के तीन अलग अलग आपको वर्जन भी अवेलेबल होते हैं येलो ब्राउन एंड रेड सो ये हो गया रिगार्डिंग द कलर्स अब आपको ये टेबल याद रखने हैं कि इसमें से क्वेस्ट पूछे जा सकते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि ई वन जीरो टी टू जो है वो कोड है फॉर द टाट्राजन जीरो फोन इज कोड फॉर द क्यूनोल येलो सनसेट येलो के लिए ई वन वन जीरो ई वन ट्वेंटी फोर कोल्चिन कार्मीनिक एसिड एन कार्मि एजोरोबल टू ई वन टू थ्री फॉर अमारंथ ई वन टू फोर फॉर पोन्स्यू उसके अलावा एक और भी टेबल है कि ई वन ट्वेंटी सेवन की जिसको इरिथ्रोसिन कहते हैं एल्यूला रेड के लिए ई वन टू नाइन ई वन थ्री वन पेटेंट ब्लू ई वन थर्टी टू इंडिको कार्मीन ई वन डबल थ्री ब्रिलियंट ब्लू एंड ई वन फाइव वन ब्रिलियंट ब्लैक तो ये कलर्स के टेबल आपको खास याद रखने हैं अब है कि हर्बल और प्लांट मटेरियल जो हम ऐड करते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर तो ऐड किया जाता है एज अ फेसियल एंड बॉडी स्क्रब्स ओके ये जो बॉडी स्क्रब्स प्रिपरेशंस होती है फेसियल स्क्रब उसके अंदर आलमंड ऐड किया जाता है देन अजारी डरता कि जो नीम एक्सट्रैक्ट है उसको हम ऐड करते हैं टूथपेस्ट के अंदर अलग अलग स्किन केयर फेस वॉश वगैरह के अंदर होते हैं कि जो हर्बल फेस वॉश होते हैं, देन कॉम्फ्रे कि जो क्रीम्स एंड लोशंस के अंदर ऐड किया जाता है तुलसी स्किन क्रीम एंड लोशंस के अंदर कुकुम्बर जो है वो मास्क टॉनर एंड एज ए क्लिनजर एड किया जाता है इन वेरियस कॉस्मेटिक्स आफ्टर दैट आमला मेन चीफ इंग्रेडिएंट होता है हर्बल सेम्पूस के अंदर जासमिन जो है वो हेयर ऑयल आता है लेमन स्किन टॉनिक और क्लिनर्स के अंदर जो हीना मतलब कि हम मेहंदी कहते हैं नेचुरल डाई है फॉर द हेयर एंड एप्रिकोट की फेसियल एंड बॉडी स्क्रब्स की एप्रिकोट और आलमंड दोनों जो है एड किए जाते हैं कि जो आलमंड हमने बात की आगे फर्स्ट ओके एंड एप्रिकोड दोनों एड किए जाते हैं फेसियल एंड बॉडी स्क्रब्स अब है हमारे पास फंक्शनल रॉ मटेरियल्स कि जिसके अंदर है विटामिन सी एज एंटी ऑक्सीडेंट एड किया जाता है इन वेरियस इमलसेंस ऑल्सो द विटामिन ए फिर विटामिन ई e है फॉर द स्किन ब्यूटिफिकेशन विटामिन ई से स्किन ब्यूटिफिकेशन में हेल्प होता है अमाइनो एसिड्स के अंदर एवी हिल एमपीटीटी मतलब कि जो ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स कि जो ये हम देखते हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड एवी हिल एमपीटीटी टी टी आप याद रख सकते हो ये मतलब कि स्टार्ट uh, करते हैं फ्रॉम द हिस्टिडिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन मिथियोनिन फिनाइन थ्रियोनिन So, amino acid जितने भी है, वो यूज होते हैं इन कॉस्मेटिक प्रिपेरेशलेटॉइन हैंड क्रीम एंड लोसन के अंदर एड किया जाता है फिर कैड की जिसका रोल है इन एक्जेमा एंड सोराइसिस फिर जो कैलेमाइन लोसन आप बनाते हो वो भी एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है आफ्टर दैट सनस्क्रीन एजेंट्स कि जिसके अंदर पाबा, विटामिन सी एंड क्विनिन सॉल्ट्स फिर क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स आल्सो यूज़ इन ए सनस्क्रीन एजेंट एंड एंटी डैंड्रफ के अंदर यूज होते हैं सिलेनियम कैडमियम सल्फाइड एंड जेडपीटी जेडपीटी मतलब कि जिंक पाइरिथियोन सो so ये सब है फंक्शनल रॉ मटेरियल्स ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सो इस तरह से टोटल 10 टाइप के अलग-अलग कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशंस के अंदर रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं कि सनस्क्रीन एजेंट कौन से है फिर एंटीडेंड्रप के अंदर की जो स्पेशली एंटीडेंड्रप शैम्पू के अंदर सिलेनियम कैडमियम के सल्फाइड एंड ZPTO टी ओ एड किए जाते हैं सो दिस इज रिगार्डिंग पार्ट टू वीडियो लेक्चर पार्ट थ्री में हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द कि हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फॉर्मुलेश फॉर द स्किन कि जो स्किन के लिए जितने भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे इन पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर सो टिल देन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो यूज द फार्मर मोबाइल एप्लीकेशन एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट टू फार्मर व्हाट्सएप टू जॉइन द्रुप ऑन नाइन फोर टू सिक्स एंड टू कॉन्टेक्ट मिस्टर अमर रावल ऑनर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स सक्सेस ऑन हिस्स पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नाइन जीरो टू जीरो So good luck and all the best.